है कि 13 साल की लड़की ने शादी से किया इनकार, तो उसकी सर को धर से अलग कर दिया गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगी जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। हावस में अंधा होके किसी हेवन बन गया, वो रियल स्टोरी हम आपको बताएंगे। प्लीज वीडियो में बने रहिए। यह कर्नाटक राज्य की मैसूर में स्थित सेंट फिलोमिना चर्च, जो कि एशिया की सेकंड लार्जेस्ट चर्च है। इधर आने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मैसूर जंक्शन। आप उधर से अगर आते हैं तो मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है फिलोमिना चर्च। इधर कोई एंट्री फी नहीं है, बस चप्पल या बैग अगर आप रखते हैं तो बस 10 रुपये का टिकट आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल फ्री है। ये डेली सुबह 5 बजे खुलता है और रात को 8 बजे बंद हो जाता है। ये चर्च जो है ना फुल वर्ल्ड फेमस है। ये पूरे दुनिया में केवल 3 जगह पर है। एक तो है न्यूयॉर्क की सेंट पैट्रिक चर्च, जर्मन में कलोगन कैथेड्रल चर्च, और ये इंडिया में मैसूर में जो सेंट फिलोमिना चर्च। ये चर्च का अगर आप ऊपर से देखते हैं, मतलब आसमान से ड्रोन या हेलीकॉप्टर की मदद से, तो आपको ये एक क्रॉस जैसा दिखेगा। ये चर्च में जो जुड़वा मीनार है इसका हाइट है 175 फीट। ये चर्च सेंट पैट्रिक और कोलोनो जो कैथेड्रल है उसके फुल मैच करके बनाए गए, मतलब फुल सेम है उसे, वैसे ही है ये। ये चर्च का जो लंबा हिस्सा है उसको मंडली हॉल कहा जाता है। इसके दो साइड में गाना बजाने के लिए सिस्टम रखा गया है, मतलब गाना उधर बजाते हैं। इसके मुख्य हॉल के अंदर मिनिमम 800 लोग बैठ सकते हैं। इसी गिरजाघर के अंदर सेंट फिलोमिना की एक मूर्ति भी रखी गई है। बाहर भी सेंट फिलोमिना की सुंदर स्टैचू बनाई गई है। फ्रांस के एक आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था डेली यानी कि डेलकर, वही ये चर्च को बनाने के लिए डिजाइन किए थे। चर्च के अंदर आप देखेंगे तो आपको रंगीन कांच की जो मतलब खिड़कियाँ लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो कि मसीह के जन्म मृत्यु सूली पर चढ़ने से लेकर पुनर्जन्म और स्वर्ग ग्रहण तक सब कुछ उधर मतलब दर्शाया गया है। कहते हैं कि सेंट फिलोमिना जो थी वो एक लैटिनी कैथोलिक की संत थी, एवं एक रोमानी कैथोलिक की शहीद थी और एक यूनान राजकुमारी भी थी। और वो 4वीं शताब्दी में मतलब उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। 26 मई 1802 को रोम के कैटकोमस शहर में एक 13 साल की लड़की की लाश मिली थी। उसके पास छोटे छोटे 3 पीस के टाइल्स में कुछ लिखा हुआ था, लुमिना पैक्स कम। इस शब्द का क्या मतलब था किसी को समझ में नहीं आता था। इस शब्द को जोड़ के पुनः जो ज्ञात अर्थ उसका निकाला गया, जिसका मतलब था लैटिन में आपके साथ शांति फिलोमिना। कब्र के पास कुछ सूखे खून भी मिले थे और एक बर्तन भी उसके पास था। इसे मालूम पड़ा कि ये जो कब्र में है लाश वो फिलोमिना की है, और ये जो शहीद का एक प्रमाण के रूप स्वरूप वो रक्त का लगा हुआ वो बर्तनों को माना गया। ये जो फिलोमिना थी वो ग्रीक कंट्री की थी। उनके पिताजी रोम राजा के पास जब करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो एक दिन ही एक पादरी के पास जाके बोले हमें कोई बच्चा नहीं है। तब पादरी उनको बोले आप एक काम कीजिए, आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए तो आपको संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद उनको एक बेटी हुई, उसके नाम रखे सेंट फिलोमिना। उसके बाद वो धर्म प्रचार में जुट गई। जब वो 13 साल की हुई तब उसके अंदर देवी की शक्ति का प्रकट हुआ। एक दिन ही रोमन के राजा ने उनके पिताजी के साथ उनको राजदरबार पर बुलाए। जब वो पहली बार सेंट फिलोमिना को देखे, उनकी सौंदर्य में देख के मतलब वो पागल हो गए। सोचे कि हम उनसे शादी करेंगे, ये सोच के उनके पिताजी से उनका हाथ मांगा। उनके पिताजी डायरेक्ट मना कर दिए, हम उसकी शादी किसी से नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको एक नेक काम के लिए छोड़ा है, वो किससे शादी नहीं करेगी। उनका बेटी की भी वही राय थी। ये सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया और वो फिलोमिना के सर को धर से अलग कर दिया। ये जो घटना घटी थी ये 4वीं सेंचुरी में ये घटना घटी थी। उसके 100 साल बाद है जब हमारे मैसूर के राजा जो कृष्णराज बड़ियार थे, वो रोमन राजा डेक्लेशियन की बहुत ही निंदा की, बहुत ही धिक्कार उनको। एक राजा होके इतना नीचे कैसे गिर सकता है, एक छोटी सी बच्ची के सौंदर्य में पागल होके उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती उसके सर को कैसे काट सकते हैं, इतना निष्ठुर वो कैसे बन सकते हैं। ये जो घटना उनको अंदर से मतलब फूल झिझड़ कर रख दिया।
इसके बाद वो फिलोमेना के इतने छोटे उम्र में इतना बड़ा सैक्रिफिस दिए, इतने बड़े कुर्बानी किए, इसीलिए फिलोमेना की कुर्बानी को यादगार बनाने के लिए इधर एक चर्च बनाने के लिए सोचे। उससे पहले एक छोटा चर्च वो बनाए थे, तब अंग्रेजों ने कंप्लेंट किया था कि इतना छोटा जगह में इतने सारे लोग आ रहे, बैठने के लिए जगह नहीं हो रहा है। इसलिए सारे ब्रिटिश ऑफिसर ने सजेस्ट किए थे राजा को कि एक बड़ा सा चर्च बनाया जाए। जर्मन में जैसा चर्च है डिटो वैसे ही बनाने के लिए मैसूर राजा ने प्लान किए थे। 1926 को सारो टिदुमुस्को चड्डी ने उनके पास सचिव थे वो वेस्ट इंडीज़ के उपस्टाले के प्रतिनिधि जो थे पीटर से वो संत फिलोमेना की वो सबको प्राप्त किए थे और उसको वो फादर कुचित को दे दिए थे और फादर कुचित ने वो हमारे मैसूर राजा को वो सौंप दिए थे ये चर्च में उनको शरीर को काम में लगाने के लिए, मतलब उधर रखने के लिए। नालवाड़ी कृष्णराज बड़ियार ने 28 अक्टूबर 1933 को इधर जो चर्च बनाने में फर्स्ट छिड़ा वो रखे थे और स्पीच में बोले थे हम इसको बहुत ही सेफ्टी में बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ये मुख्य हॉल में जो अंडरग्राउंड है उधर फिलोमेना की सबको रखा गया है, जो हड्डी वगैरह जो मिले थी उधर रखा गया है। ये चर्च को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ था, इसके लिए बहुत देश विदेश से राज्य से मतलब लोग पैसा कंट्रीब्यूट किए थे, जैसे कि सिंगापुर, गुलबर्गा, बीदर, मैसूर, कोर्ग, ऐसे बहुत सारे देश विदेश से राज्य से पैसा आता था इधर बनाने के लिए, सब लोग हेल्प किए थे। ये चर्च में हर साल अगस्त 11 को राजा कृष्णराज बड़ियार ने कंघी, पाउडर, लिपस्टिक आदि जो कॉस्मेटिक की चीज़ें वो लोगों को बांटते हैं। वो परंपरा भी चल रहा है या बंद हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर आए थे, जब वो बोले थे हम ये शहर को पेरिस कंट्री जैसा बनाएंगे। इधर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर जात धर्म वर्ण के लोग इधर आते हैं, भाषा के लोग इधर आते हैं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मैसूर राजा ने ये चर्च बनाने के लिए जो मान्यता दिखाई, जो उनका जो मान्यता का परिचय दी, उनको सेलेक्ट करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। आप अगर इधर आते हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप भूल जाएंगे आप इंडिया में हैं या जर्मनी में है या फ्रांस में है, आप भूल जाएंगे। इतना अच्छे से कलाकारी किया गया है अंदर से लेकर के बाहर तक, मतलब आपकी आँखें फटे के फटे रह जाएगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइम मिलेगा तो इधर जरूर आके एक बार देखिएगा। बाय बाय।